आज हम यहाँ से विल बी कवरिंग सेलुलर जेल पूरा इंटरनल. देन दे आर टू आइलैंड क्लोज टू यर, वन इज़ रॉस आइलैंड एंड द अदर वन इज नॉर्थ बे आइलैंड. सो वी आर रीच्ड सेलुलर जेल. लेजर शो उसका रात को होता है, बट वो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं. आई विल ऐड दिस इन द वीडियो फॉर अदर. बट अभी हम सेलुलर जेल का पूरा इंटरनल पूरा देखेंगे, अंदर का जेल का सेल्स है ना. सो ये वाइट कटरा है जिसके ऊपर फांसी देने के पहले बिजनेस को खड़ा किया जाता था एंड देन उनको फांसी दी जाती थी. फैक्ट्री है यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स में फोटो गैलरी निकालते थे, मस्टर वाले निकालते थे. बड़ा फैक्ट्री था, अभी इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया. नीचे का फ्लोर ऊपर का छत लकड़े का जाला चेंज कर दिया. प्लेस ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल ऑयल मिल है, वहीं पर है. ऐसे बहुत सारे थे, एक ही बचा है. अकेला प्रिजनर कोकोनट का ड्राई खोपड़ा उसके अंदर भरे. साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में आएगा. फिर जब पकड़ करके घुमाएगा बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा. अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा. एक फ्रीडम फाइटर को एक दिन में 30 pounds कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, जो बैल भी नहीं निकाल पाते थे. जब बैल नहीं निकाल पाते थे, इंसान कहाँ से निकालेंगे. और कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार करते थे, काम नहीं करेंगे. तब ब्रिटिशर्स उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्ते से बांधते थे. जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से मारते थे. काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का दिमागी हालत भी खराब हो जाता था. हजार एक विंग जो टूट गया था ड्यू टू अर्थक्वेक इन अंडमान, तो उसको यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया गया है, अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल.
गाइस, यहाँ से वी आर गोइंग टू रॉस आइलैंड पीछे वाला, ठीक है। तो आपके हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ से जैकेट रिमूव कर दीजिए और आप लोग का रिटर्न टाइमिंग 1:45, रिटर्न टाइमिंग 1:45 टाइम फॉलो करते हुए आ जाइएगा। और बोट नेम फ्री सफारी वन, बोट नेम फ्री सफारी वन, ये आइलैंड में रिटर्न आना, नेक्स्ट आइलैंड नॉर्थ पे भी जाना है। सो यू कैन गेट दिस थिंग एट 80 रुपीज पर शेयर। सर आप लोग सुनेंगे प्लीज़। सर जो पीछे वाले सीट में बैठे हैं, मैं अपना लेफ्ट और राइट बताऊंगा, तो मेरा लेफ्ट आपका राइट होगा, एकदम पीछे वाले सीट वाले। ओके सर, सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड में रेड कलर का बिल्डिंग है, फर्जन अली जनरल स्टोर हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में। ब्रिटिश टाइम भी ये आइलैंड जो है कैपिटल हुआ करता था पोर्ट ब्लेयर का। तब इस आइलैंड में लगभग 550 लोग रहते थे। उन सबका खाने पीने का सामान और ज़रूरतमंद सामान इसी स्टोर में से उपलब्ध कराया जाता था सर। अच्छा वो स्टोर था? जी सर, जनरल स्टोर था, जनरल स्टोर जी। दिस देर इज अ डाउन ट्रैक ओवर हियर जहाँ से हम यू कैन गो टू द लाइट हाउस। दिस आइलैंड वॉज लाइक 200 ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, बट 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें 70 एकर्स का बचा है। मतलब काफ़ी हद तक ये आइलैंड श्रिंक हो गया है। देर इज अ लाइट हाउस ओवर हियर, वी कैन गो टिल देयर। House of Ross Island, and we are at the peak of this Ross Island. Ross Island khatam ho gaya hai. Samne North Bay Island hai, and that is Port Blair. Ye aapko dikhate hain ye kiska statue hai. स्टैचू है इन द ट्रिब्यूट टू दोज हु पेरिश टू प्रोवाइड पीस एंड सिक्योरिटी फॉर अवर नेशन, इन ऑनर ऑफ दोज हु सर्व टू फॉर द हेरिटेज ऑफ द सर्विस। ओके इन जनरल स्टैचू है, किसी का है नहीं, किसी का नाम तो लिखा नहीं। मार रहा हो? हाँ हाँ चल। We are going for coral watching in snorkeling over here.
So guys, it was an amazing experience in snorkeling. Now we are heading back to our home. So fresh ho jate hai bahut zyada. Pani ja chuka hai, namak ja chuka hai. So hamari boat bhi aa gayi hai. Now we are going back to Port Blair.